जी अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त आपका भाई मलक मकसूद ऑफिशियल से आज आप भाइयों के लिए एक बहुत ही लाजवाब चीज लेके आया है। तो जितने भी दोस्त मोहब्बत प्यार करने वाले मेरे इस YouTube चैनल से वो मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आई अकाउंट को ज़रूर दबाएं, आपके पास हर वीडियो बआसानी पहुंच ही रहे। तो आज दोस्तों को एक चीज़ के मतलब आगाह करना चाहता हूं, जो दोस्त हजरात किसी खेल पानी में गोली में मोड़ में कस्तूरी का जिक्र आता है, अगर कोई दोस्त हजरात कस्तूरी फोड़ नहीं कर सकता तो उनके मुताबिक मैं कुछ चीजें भाई को बताने जा रहा हूं। वो दोस्त हजरात उन चीजों के ऊपर अपना वो खेल पानी बनाए, 100% तो रिजल्ट नहीं आएगा। जहरी बात है, जो काम कस्तूरी का जनमन है वो कस्तूरी का ही काम है। और जो चीजें मैं आप भाइयों को बताने जा रहा हूं काम ये भी करेंगी, कस्तूरी जो फोड़ नहीं कर सकता वो वाला भाई ये वाली चीजें इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप भाइयों को जिस जगह पे आप भाई कस्तूरी इस्तेमाल करते हैं आपको 100 में 50% ये वाला आज का मेरा तरीका बताया हुआ जरूर काम करेगा। आज तलक YouTube के ऊपर मेरा एक चैलेंज है, ये बड़े बड़े यूट्यूबरों को जो आजकल बैठ के बड़े बड़े चैलेंज करते हैं, बड़े बड़े उस्ताद बने पड़े हैं जिनके खुद उस्ताद नहीं है तो लोगों को कहते हैं हम लेजेंड उस्ताद है। मेरा आज उन उस्तादों को चैलेंज है कि आज तलक YouTube के ऊपर ऐसी चीज किसी ने नहीं बताई होगी। तो आज आपका भाई जो सामने बैठा है, आज का आप भाइयों को उस चीज से पर्दा उठाने जा रहा है जो मैं आज आप भाइयों को कस्तूरी के मुताबिक जो आप भाई खेल पानी मोड़ गोली कोई भी चीज जिसमें आप कस्तूरी डालते हैं, तो आज भाई कोई उस खेल पानी को फोड़ नहीं कर सकता तो आज आप भाई ये वाली मेरी चीज इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको उन चीजों के मुताबिक रिजल्ट मिलेगा। तो चलते हैं उन चीजों की तरफ जो मैं आज भाइयों को बताने जा रहा हूं। तो आज मैं भाइयों को तीन चीजें बताऊंगा, आज मैं भाइयों को तीन चीजें बताऊंगा जो आज तीन चीजें जो पंसार स्टोर से ही आपको मिलेंगी। सबसे पहले आप भाइयों ने जायफल दाना लेना है पंसार स्टोर से। दूसरा आपने सब्ज इलायची लेनी है, ये भी पंसार स्टोर से मिलेगी। तीसरा नंबर आप भाइयों ने देसी लौंग लेना है, ये भी पंसार स्टोर से लेना है। आज आप भाइयों को मैं वो चीज बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी ने नहीं बताई हो। 50 ग्राम आपने जायफल दाने का
अंदर से बीज लेना है, जिसको गरी बोलते हैं, अंदर से बीच में एक हरा धागे नमा होगा, वो आपने निकाल लेनी है, वो जहर होती है। जायफल के दाने के अंदर आपने गिरी निकाल लेनी है और उसके अंदर से आपको एक सब्ज कलर का, हरा कलर का आपको एक धागा नमा मिलेगा। तो आप भाइयों ने 50 ग्राम देसी लौंग उसका आपने बारीक पाउडर कर लेना है, इतना बारीक पाउडर करना है कि उसमें आप भाइयों को एक जरा भी महसूस ना हो। लौंग देसी आपने लेना है, उसके ऊपर हर एक लौंग के ऊपर फूल टोपी होनी लाजमन चाहिए। ये ना हो कि फूल गिरे हो, नीचे वाला हो, तो वो आप उसको पाउडर बना दे, उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा आप भाइयों को। दूसरी बात, आप भाइयों ने जो सब्ज इलायची है, आप भाइयों ने उसके बीज लेने हैं 50 ग्राम। जब 50 ग्राम उसके बीज लोगे तो फिर आपका काम होगा। तो आप भाइयों ने सबसे पहले लौंग का पाउडर करना है बारीक, और बारीक ही आप भाइयों ने सब्ज लाची के जो बीज है 50 ग्राम आपने देसी लौंग उसका बारीक पाउडर कर लेना है, और इतना पाउडर बारीक करना है कि वो आप भाइयों को उसमें एक जरा भी महसूस ना हो। और 50 ग्राम आप भाइयों ने छोटी इलायची के बीज वो ले लेने हैं, उसको भी आपने इतना पाउडर बारीक करना है कि उसके भी जरा महसूस ना हो। और 50 ग्राम आप भाइयों ने जायफल दाने का अंदर से गूदा गिरी वो ले लेनी है। आप भाइयों को मैंने पहले भी बताया है कि उसके अंदर एक धागा नमा होता है, वो आपने निकाल लेना है। तो उसको भी आपने उसमें ऐड करके ये आपके पास एक पाउडर नमा बन जाएगा। तो आप भाइयों ने जिस जगह जितनी आपने कस्तूरी डालनी हो, मसलन आपने 3 माशे डालनी हो कस्तूरी, तो आप भाइयों ने अगर कस्तूरी जितना रिजल्ट लेना हो तो आप उसमें 6 माशे ये वाला डाल दे, तो इंशाल्लाह आप भाइयों को कोई भी चीज, गोली बनाए, मोड़ बनाए, ऐसी कोई भी चीज जिसमें आप भाइयों ने कस्तूरी डालनी हो, तो आप भाई कस्तूरी की जगह पर ये वाली चीज इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह आप भाइयों को जब रिजल्ट मिलेगा तो आप भाई, सिर्फ भाई को दुआओं में जरूर याद करना। आज तलक आप भाइयों को YouTube के ऊपर ऐसी चीज ना किसी ने बताई होगी और ना बताएगा, और इंशाल्लाह ऐसा कोई शौक ना करता होगा और ना किसी को नॉलेज होगा। इंशाल्लाह आपका सामने आपका भाई बैठा है, इंशाल्लाह जो चीज बताएगा सच्चाई के साथ बताएगा, और सभी दोस्तों को एक नंबर चीज बताएगा। ये नहीं होगा कोई फेक चीज बताएगा, जैसे फेक आदमी पैसे लेकर काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं जितने दोस्त मेरे इस YouTube चैनल से दिली मोहब्बत करते हैं वो इसको आगे लेके जरूर जाएंगे। इंशाल्लाह आज की मेरी वीडियो दोस्तों भाइयों को, उस्तादों को बहुत अच्छी और पसंद आई होगी। आपका दोस्त, आपका भाई मलिक मकसूद ऑफिशियल से इजाजत चाहता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।